हेलो दोस्तों, रत्नया नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। गाइज, हम लोग 1994 में हैं अभी भी, और 1994 के एंड में आते आते जो किरण है उसके साथ मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ था। वो सेंट लॉरेंस में पढ़ती थी सांताक्रूज वेस्ट में, क्योंकि पहले वो सांताक्रूज वेस्ट में ही रहती थी, वहाँ का वायरलेस क्वार्टर्स में। मनीष और विशाल भी वहीं पे रहते थे पहले, तो सारे बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जब भी वो स्कूल से आती थी, उसको बस स्टॉप पे मैं मिलता था, वहाँ से हम लोग घर पे जाते थे। एक बार उसने मेरे पे एक टिकट फेंक के मारी थी उसकी बस की, जो मैंने काफ़ी साल तक संभाल के रखी थी। उसके साथ की और एक बुरी याद भी है, 7 दिसंबर उसका बर्थडे होता है, तो मैं स्कूल जाने के लिए बस का पिछला गेट से चढ़ा ही था, अचानक मुझे वो स्टॉप पे दिखी, तो मैंने चलती बस से जंप कर दी थी और मुझे पैर पे बहुत ज़ोरदार लगी भी थी। तो ऐसे चल रहा था, जो टाइम है काफ़ी अच्छा कट रहा था, फ्रेंडशिप हमारी जो थी वो धीरे धीरे लाइकिंग में बदल गई थी, फिर अफेक्शन बढ़ गया था, अटैचमेंट सा उसके साथ हो चुका था। लेकिन उस समय पे ये हुआ कि विशाल का और शैलेंद्र का जो केक का प्रॉब्लम है, उसके वजह से उनसे अब बात करना बंद हो चुका था। और ये जो किरण का पूरा ग्रुप है वो अब आया था पंकज का कांटेक्ट में, तो पंकज और उसके 3 फ्रेंड्स, ये और ये लड़कियों का ग्रुप सारा अभी पंकज के घर पे ही मैक्सिमम टाइम बिताने लग गए थे। पंकज मेरा बचपन से पहचान का बंदा था, फ्रेंड था, लेकिन उससे इतना मैं क्लोज नहीं था जितना उसके फ्रेंड युवराज से, क्योंकि युवराज के साथ मैं बचपन में गोटी खेला था। उसका जो भाई है भगत सिंह, वो भी मेरा अच्छा दोस्त था। उसके अलावा उनके ग्रुप में और एक बंदा था समीर नाम से, तो समीर बचपन से स्कॉलर था, वो आज का डेट में US में है, तो वो भी मेरा अच्छा फ्रेंड था। तो बचपन में मैं पंकज के घर पे ये तीनों के साथ काफ़ी बार मैं जो मोटरसाइकिल का ट्रम्प कार्ड्स वगैरह है वो भी खेल चुका था। तो पहले ये तीनों का रिलेशन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब कौवा उनके ग्रुप में आया, वो उनका लीडर बन गया, उसके बाद उनका बहुत लोगों से झगड़ा शुरू हुआ। मैं मैक्सिमम टाइम किरण को अब ज़्यादा मेल फ्रेंड्स के साथ देखने लगा, वो अभी फीमेल फ्रेंड्स उसके जो थे उनके साथ कभी रहती ही नहीं थी। मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि मैंने कहा चलो ये फ्रेंड्स है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तब हुई जब मैं एक दिन कोचिंग क्लासेस से विशाल शैलेंद्र के साथ रिटर्न आ रहा था, और कौवा और ये उसके 3 बंदर मुझे आके इन्होंने रास्ते पे रोका। उसके साथ किरण भी थी, युवराज ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में एक गुलाब दे दिया और बोला कि अब किरण को प्रपोज कर। तो ये ज़बरदस्ती का प्रपोज मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको गुलाब दिया भी नहीं और मैं उनसे लड़ पड़ा। और जो किरण थी वो देख के हंसने लग गई, उसको ये सारा मजाक लग रहा था, लेकिन मैं बहुत हर्ट हो चुका था, मुझे बहुत एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि किरण ये तूने क्या किया, बिकॉज मैं चाहता था कि ये जो इनोसेंट सा प्यारा सा और जो प्योर सा रिलेशनशिप है वो पर्सनल रहे और इसका वैल्यू उसको समझना चाहिए। लेकिन जो हो रहा था वो सब मजाक हो रहा था, जोक चल रहा था, तो वो मैंने दिल से ले लिया और डिसाइड कर लिया कि मैं उससे अब बात नहीं करूँगा। तो वो जब सामने दिखती थी मैं रास्ता बदल लेता था, वो दिखी तो भी मैं उसको अनदेखा कर देता था। ये सारी चीज़ उसको समझ में आ गई, तो उसने एक दिन मुझे कन्फ्रंट भी किया, लेकिन मैंने उसको ठीक से जवाब नहीं दिया, मैंने वहाँ पे उसको एटीट्यूड दिखाया और मैं वहाँ से चला गया। तो होता वैसे ही था कि मैं पहले उसके साथ बहुत प्यार से, नरमाई से और फ्रेंडली तरीके से बात करता था, लेकिन मैं अब उसके लिए एक हेडेक बन चुका था, क्योंकि वो चाहती थी मेरे से रिलेशन सब ठीक करना, लेकिन मैं नहीं चाहता था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब मूव ऑन कर दूँगा, एंड उसने भी फिर धीरे धीरे डिसाइड कर लिया कि ठीक है बस हो गया, अब इसको और ज़्यादा भाव नहीं देना है, तो शी ऑल्सो मूव ऑन।
जो पहले बुरा उसको लगा था वो बाद में वो सब भूल गई और फिर उसने नए फ्रेंड्स बना लिए। मैं उसको बीच बीच में उसका जब क्लासेस जाती थी वो सरस्वती क्लासेस, तब मैं कभी कभी उसको देखा करता था, लेकिन उससे मैं बात नहीं करता था क्योंकि मुझे कान पे ऐसे ऐसे उसके बारे में न्यूज़ मिलते थे जो मुझे पसंद नहीं आते थे। मैं फ्रेंड के घर पे पढ़ाई करने जाता था तो उसकी माँ कभी बताती थी कि आज मैंने उसको रागेश के साथ देखा, दूसरे दिन वो बोलती थी मैंने उसको पंकज के साथ देखा। तो बहुत सारे लड़कों से उसका नाम जोड़ा जाने लगा। उसका नेचर बेसिकली काफ़ी फ्रैंक था जिसकी वजह से वो बदनाम हो रही थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई बस हो गया, वी शुड फोकस ऑन आवर गोल्स। तो मैं, विशाल, चैलेंजर, हम लोग सारे ये ग्रुप से लड़कियों के अलग हो गए। हमने डिसाइड कर लिया कि हमको अब पढ़ाई पे फोकस करना है, तो हमने वही किया। उस दौरान अगस्त में एक बुरी बात हुई थी। मेरे जो दादाजी है वो टेरेस पे गिर गए और उनका देहांत हो गया वहीं पे। तो पूरा फैमिली, हम लोग काफ़ी शोक में थे। धीरे धीरे फिर उससे जब बाहर आए तो मैंने पूरा का पूरा फोकस मेरा कोचिंग क्लासेस पे लगा दिया। वहाँ पे सब अच्छे से चल रहा था, मुझे सब समझ में आ रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक मैथ्स का प्रॉब्लम था जिसको मैंने गलत तरीके से आंसर दिया था, तो मुझे झाड़ू से मार पड़ी थी। इसके पहले जो भी टीचर्स थे वो स्केल से मारते थे, छड़ी से मारते थे, लेकिन झाड़ू से मार खाना मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा और मैंने वो क्लास छोड़ दिया। लेकिन दूसरे ही दिन जब सर को ये बात पता चली तो वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे समझाया कि देख, क्लासेस में ये सब होता है क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसी टाइप के हैं, वो लोग ऐसा ही पढ़ाई समझते हैं, तो आगे से मैं नहीं मारूंगा, बट भाई तू क्लास में आ जा क्योंकि तेरा सिस्टर ने जो किया है ये क्लास में रह के वो तू भी कर सकता है, तू भी यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता है, तेरा मैथ्स जो है उसका जिम्मेदारी मेरा। तो ये आश्वासन देने के बाद मैंने फिर से ज्ञानदीप कोचिंग क्लासेस जाना शुरू किया और राणे सर के अंडर मैंने आगे का जो 2 साल है वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।